इसी तरह स्वीडन में और बाज़ दूसरे मुल्कों में भी जो आज़ादी राय और मज़हबी आज़ादी के नाम पर गलत काम करने वालों को छुली छुट्टी मिली हुई है, और इस बहाने से जो मुसलमानों के जज्बात से खेल कर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो मुसलमानों को जज्बात को तकलीफ़ पहुँचाने वाली हैं, इंतहाई करीब हरकतें हैं। कुरान करीम की बहरमती है या आहद रसलम के बारे में नज़ेब अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ही इनके पकड़ के समान फरमाए। इसमें भी मुसलमान हुकूमतों का कसूर है जिनमें फूट की वजह से इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं इस किस्म की गलत हरकतें करती हैं। अगर कोई रद्द अमल होगा मुसलमानों की तरफ से तो वो भी आरजी होगा, और ऐसा होगा जिसका कोई असर ना हो।